राजगढ़ लोकसभा सीट को हॉट सीट बना दिया। समता समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पवार ने कहा, इस बार राजगढ़ को नया प्रतिनिधि मिलेगा। दिग्विजय सिंह चुनाव हार रहे हैं। मापन शुरू हो चुका है लोकतंत्र का, उसमें आप भी सर हिस्सेदार हैं। कहीं ना कहीं उम्मीदवार क्या लग रहा है आपको, जो सीट है वो हॉट सीट बना दिया उसको आप? देखो, देश में लोकसभा चुनाव तो हो जाए सबको पता है, लेकिन मध्य प्रदेश में दो सीट बड़ी हॉट सीट है। एक पे चुनाव हो चुका है छिंदवाड़ा, दूसरी राजगढ़। और राजगढ़ बड़ी आसान सीट भी है, लेकिन उसको हॉट बना दिया गया है। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, वो कहते रहे हैं कि उस सीट पे हम 400 फार्म भरवाएंगे और बैलेट से चुनाव करवाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया। और ये चीज़ संभव ही नहीं थी कि 400 लोग वहाँ से फॉर्म भरें। आज मैं ये कहना चाहता हूँ राजगढ़ के बारे में कि रोडमल नागर दो बार के सांसद हैं, वहाँ कुछ नहीं है, केवल उनकी हू हल्ला है भारतीय जनता पार्टी का कि हम जीत रहे हैं, लेकिन वो हार रहे हैं। और दिग्विजय सिंह 75 साल के हो गए हैं, उनको कोई नहीं जिताने वाला है। वो एक बार 23 साल पहले वहाँ चुनाव लड़े थे और मैं वहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। पिछले बार भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ी थी, तीसरे नंबर पर रही थी। इस बार हम एक नंबर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं पूरा। और उसके लिए मैंने नॉमिनेशन 12 तारीख को किया और 40 आदमियों का बैंड के साथ, बहुत बड़ी रैली के साथ मैंने नॉमिनेशन किया है और नॉमिनेशन भी मैंने प्रभावी किया है। पूरे राजगढ़ में शोर है कि कोई समता समाधान पार्टी ने फॉर्म भरा है। राजगढ़ सीट कहीं ना कहीं देखा जाता था कि दिग्विजय सिंह के नाम से जाना जाता था। आपने नामांकन दाखिल करके आपने बता दिया है कि वो कोई किसी की वो सीट जो है उसकी अपनी जागीर नहीं है, कहीं ना कहीं जनता जनार्दन जो है वो उसका फैसला करेगा। भाई, लोकतंत्र में तो ये चीज़ें किसी की जागीर होती नहीं है। जो आदमी काम करेगा, जो आदमी निष्पक्ष काम करेगा, जो जनता के हित में काम करेगा। और बाकी जो कांग्रेस भाजपा अभी 72 साल में आज़ादी के जो चीज़ उठाती रही है, वो तो उन्होंने किया नहीं पूरा। ना तो आज रोज़गार है, ना शिक्षित लोगों को शिक्षा है, ना ही बेरोजगार लोगों को काम है, ना ही काश्तकारों का हित है, ना ही हमारी लाडली बेना और हमारी जो मध्य प्रदेश की जो बेना, उनके हित में कोई काम नहीं किया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि 400 फॉर्म भरवाए जाएंगे, मतदान बैलेट पेपर से होगा, वो इस पर असफल रहे, सब किस रूप में देखते हैं आप? नहीं, वो तो फेल हो गया कि जब पूरे फॉर्म भर गए हैं और उसके बाद जब रिजल्ट हुआ तो 15 फॉर्म ओके हुए हैं, 16 फॉर्म थे, एक रिजेक्ट हो गया है और 15 फॉर्म बैलेट पाए गए हैं और उसमें समता समाधान पार्टी का। तो मान लीजिए कि इस बार जो है राजगढ़ जो एक नया इतिहास रचने जा रहा है, एक नए व्यक्ति को अपना कमान सौंपने जा रहा है, अब वो है आपको सौंप रही हमारी जनता। देखिए, मैं वहाँ का दामाद भी हूँ राजगढ़ का, और राजगढ़ के लोग पूरे मुझे जानते हैं, पांचों विधानसभा के, और बीनागंज, चाचोड़ा और राधोगढ़ में भी मेरी भयंकर रिश्तेदारी है, मैंने काम भी किया है। और सुसनेर में उमर लाला खान, मतलब मेरे प्रदेश के महामंत्री, वो सुसनेर के रहने वाले हैं और वहाँ बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। मतलब माहौल बिल्कुल हमारे समता समाधान पार्टी के हित में है। कितने वोटों से लीड कर रहे हैं आप? जीतेंगे हम। सबसे बड़ी जो मुद्दा, जो चुनौती आपके सामने क्या है उस सीट पे? देखिए, वहाँ राजगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों की बहुत लंबी भीड़ है, वहाँ आज तक कोई काम नहीं दिया गया। वहाँ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। आज वहाँ के MA MCOM पढ़े लिखे लड़के जो ग्रेजुएट हैं, वो भोपाल में, दिल्ली में, बेंगलोर में, कहीं बड़े शहरों में जाके नौकरी करते हैं, 5,000 की नौकरी मिलती है। और वहाँ बिल्कुल रोज़गार नहीं है, तो वहाँ बेरोजगारों की भीड़ है। और वो बेरोजगारों की भीड़ इस बार कांग्रेस भाजपा को सबक सिखा देगी।